मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी लोग आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और हम लोग आज ना प्रमेह व्याधि के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल यह व्याधि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम लोगों को ना एक एक चीज़ उसका समझना बहुत जरूरी है, हेतु समझना जरूरी है, लक्षण समझना, प्राप्ति समझना जरूरी है। तो मैं सभी गणमान्य लोग जो इतने अच्छे अच्छे आयुष दर्पण पे चिकित्सक लोग हमारा प्रोग्राम रोज देखते हैं, कुछ कुछ नया चीज सीखते हैं, अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमस्ते प्रणाम। तो हम लोग प्रमेह रोग पढ़ेंगे। प्रमेह रोग का ऐसे देखा जाए तो मैं कुछ कॉमन कॉमन सिम्टम बता देता हूँ, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि प्रमेह रोगी जो रहते हैं ना, वो ज़्यादातर बैठे रहते हैं, फिर वो कुछ काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मीठा चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखने में आ रहे हैं। सभी हम डायबिटीज़ मिलाइटस मधुमेह हैं ऐसा नहीं होता है। उनका यूरिन का कलर जो है वो एकदम जिस तरह से चावल का माड़ का पानी होता है, मतलब चावल को उबाल के जो ऊपर का स्टार्च का पानी होता है, उस तरह का यूरिन आने लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगता है। कभी कभी यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, बार बार यूरिन जाने को पड़ता है, और कभी कभी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसको प्रमेह व्याधि बोलते हैं, और एलोपैथी के डॉक्टर्स इसको किडनी डिजीजेस ऐसा बोलते हैं कि वो किडनी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया है और इसके वजह से हो रहा है। तो हमें आज के ज़माने में जो चीज़ हो रहा है, सभी ऐसा यूरिन का इन्फेक्शन है, या यूरिन के ज़्यादा होना, या जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, ज़्यादा यूरिन होना, ये सभी डायबिटीज मिलाइटस नहीं हो सकता, या डायबिटीज इंसिपिडस नहीं हो सकता है। इसमें कुछ ना कुछ विकृति होती है, और आयुर्वेद जितना अच्छे से वो लोग क्या करेंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे और यूरिन का पूरा इन्फेक्शन है कि नहीं वो सब कराएंगे, ठीक है। उनका इन्वेस्टिगेशन एक नंबर है, मतलब वो लोग जो टेक्नोलॉजी से सब करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, वैसा तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि भी कम नहीं थे, उन लोगों ने दिव्य दृष्टि से सारा दोष धातु मल ये सब देखा है और उन्होंने बताया। तो मैं प्रमेह व्याधि शुरू करता हूँ, आप लोग भी अपने अपने मत है वो आप बताइएगा। हम लोग इंटरेक्टिव सेशन करते हैं 8:15 बजे जूम पे, तो उस पर भी आप लोग अपना अपना मत बता सकते हैं। हम लोग माधव निदान की क्लास भी सुबह सुबह करते हैं 6 से 7 बजे, फिर 7 से 8 अष्टांग हृदय की क्लास करते हैं, फिर अभी 7 बजे मेरा एक लेक्चर होता है, और रात को 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन करते हैं जिसमें हम सारे वैद्य लोग जुड़ते हैं और फिर ना अपने अपने केसेस डिस्कस करते हैं, जिसको जो अड़चन आ रही है या सक्सेस स्टोरीज है वो बताने का वो एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं अपना लेक्चर समाप्त होने के बाद आप लोग को एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, जो भी वैद्य लोग जुड़ना चाहते हैं, नए पुराने, वो सब लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को जून का लिंक दे दूंगा, फिर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अब समय सबसे पहले हम लोग प्रमेह देखेंगे, प्रमेह व्याधि अपने आचार्यों ने क्या बोला है, तो इसकी व्याख्या कैसे बताया है कि प्रकर्षण प्रभुतम प्रचुरम वारंवार वा करोति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे सा प्रमेह, मतलब प्रकर्षण प्रभुतम, मतलब इसमें प्रकर्ष से बार बार मूत्र प्रवृत्ति होती है और प्रभुत मात्रा में, प्रबुल वाविल मूत्रता, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन हो रहा है, और प्रचुरम वारंवार वामयति बार बार यूरिन आ रहा है, जितना होना चाहिए टाइम इंटरवल उतना नहीं आ रहा है, और इतना प्यास भी लग रहा है और यूरिन भी ज्यादा आ रहा है, और यूरिन भी अच्छा नहीं है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे वो भी अलग ही है, पीएच वैल्यू भी अलग है। मूत्र त्यागम करोती है इसमें, कुछ तो मूत्र प्रवृत्ति में कुछ तो विकृति आ जाती है, इसको हम प्रमेह रोग बोलते हैं। और इसमें ऐसा यद्यपि बोला है कि त्रिदोष प्रकोप निमित्ता विंशति प्रमेहा भवंती, ये यद्यपि तीनों दोषों के प्रकोप से प्रमेह रोग हो जाता है, लेकिन इसमें कफ दोष का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट माना जाता है। कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन करना है करने से, और कफ प्रकोपक मतलब विहार करने से भी हो जाता है। और दूसरा क्या है कि इसमें जितने भी जलीय धातु हैं, जैसे रस धातु हो गया, रक्त धातु हो गया, मेद हो गया, मांस हो गया, लसिका हो गया, ओज हो गया, शुक्र हो गया, ये जितने जलीय अपने धातु है वह सारे स्रोतों को ये दूषित कर देता है, एक तरह से बाढ़ का पानी जैसे आ जाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अभी जून जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बारिश होने लगेगी, और नेपाल की नदियां जो है वह पूरा बिहार में, अररिया डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, यूपी में, वह पूरा बाढ़ का पानी अचानक ही आने लगेगा, और जितना भी व्यवस्था है सब खराब हो जाएगा, पूरा बाढ़ में जलमग्न हो जाएगा वो। इसी तरह से यहाँ पर भी इतना ज्यादा शरीर में क्लेद और पानी और ये सब जमा हो जाता है कि बॉडी का जो किडनी है वह उसको फिल्टर नहीं कर पाता है, तो किडनी इतना ज्यादा पानी आने के बाद क्या करेगा, जैसा पानी आए उसे वैसे ही उसको फेंक दो, उसको एक्सक्रीट करो, तो इसलिए प्रभुता विल मूत्रता फिल्टर नहीं हो पाता है, वो गंदा जो पानी रहता है शरीर में, बाढ़ आने की तरह ये सारा संप्राप्ति हो जाता है।
तो इसका हेतु देखते हैं। हेतु इतना बढ़िया बताएं, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय सातवा जो प्रमेय चिकित्सा है उसमें ऐसा बताएं। आप लोग भी ऐसा एनालिसिस करिए, जब भी आपके पास मधुमेह के पेशेंट आए या प्रमेह के पेशेंट आए तो आप लोग एनालिसिस करिए, हेतु निकालिए। आप केवल शुगर लेवल बढ़ा है या फिर फास्टिंग HbA1c बढ़ा हुआ है और उस पर दवाइयाँ लिखना, ये आयुर्वेद नहीं है। आपको हेतु निकालना बहुत जरूरी है। तो आपने ग्रंथों में क्या लिखा है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधनी ग्राम्य औदका अनुपरांसी उपरसाह रसांसी पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कपकृत्य सर्वम। फिर से मैं बोलता हूँ, आस्य सुखम स्वप्न सुखम, मतलब जो इंसान दिन भर सोते रहता है और आस्य सुखम मतलब बैठे रहने का काम करता है, उसको व्यायाम नहीं करना है, उसको एक्सरसाइज नहीं करना है, बस बैठे रहना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। मतलब आजकल IT सेक्टर में भी लोग देखिए, जो लोग अपने आप को मेंटेन नहीं रखते हैं, जिम में नहीं जाते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, अब बैठे रहना है 10-10 घंटे लैपटॉप पे बैठे काम करना है, उन सबको ये प्रमेय व्याधि ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है। उसी तरह स्वप्न सुखम, दिन में सोना जो है वो निषेध बताया है आयुर्वेद में। सोना है तो रात को सोइए, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से बनता है, दिन जो है वो सोने के लिए नहीं बनाया। फिर दधिनी, दही का सेवन जो है, कुछ कुछ लोग जो है वो कितने सालों से हर दिन हर महीना और पूरा सालों भर केवल दही 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 सेवन कर रहे हैं, तो यह प्रमेय का हेतु रहता है, क्योंकि यह अभिसंधि रहता है, स्रोतसों को बहुत ज्यादा अवरुद्ध करता है, बहुत ज्यादा उजिंग करता है, बहुत ज्यादा पानी पानी कर देता है, क्लेद उत्पन्न करता है, स्रोतोरोध करता है। इसलिए दही का सेवन जो है वह रोज नहीं करना चाहिए और दही रात को नहीं खाना चाहिए। जो दही सेवन के जो नियम है उसको जो फॉलो नहीं करता है उसको प्रमेह रोग जरूर हो जाता है। फिर ग्राम्य औदका अनुपर असांसी पयांसी, मतलब ग्राम्य आहार का सेवन ज्यादा करना, जैसे जंक फूड है बहुत ज्यादा, जैसे कि बाहर का खाना है जंक फूड, और पिज्जा है बर्गर है जो पचने में हैवी है बहुत ज्यादा, और घर का रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, बाहर का चीज जो खाते हैं और उसमें भी ऐसा चीज रहता है जो मैदा वाला चीज रहता है और जिसमें पिष्टमय चीजें जैसे कि मिठाइयाँ वगैरह है, खोआ है, वह चीज मावा है, वह चीजें ज्यादा खाना। उसी तरह से अनुप प्राणियों का मांस खाना, और औदक जो सी फूड खाते हैं या रिवर का जो मछली वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं उनके शरीर, क्योंकि मछली रहती है वो पानी में ही रहती है, अब उसका मांस अगर खाएंगे तो शरीर में क्लेद उत्पन्न करता है। और यह आयुर्वेद, आपको मछली खाना है यह आयुर्वेद मना नहीं कर रहा है, उन आयुर्वेद में बोला है कि मांसवर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, मांस अलग अलग मांस का क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं, मछली का मांस खा रहे हैं, तो उतना एक्सरसाइज करके वो क्लेद को निकाल देना जरूरी होता है, पसीना आना जरूरी है। अगर आप दिन भर AC में रह रहे हैं और पसीना नहीं आ रहा है, यूरिन भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे हैं, तो अंदर अंदर क्लेद जमा हो जाता है और जैसे बाढ़ आने की स्थिति है वैसा बाढ़ आने जैसा हो जाता है। उसी तरह से मांसरस का मटन सूप चिकन सूप यही चीज़ का ज़्यादा मात्रा में लेना, अगर ज्यादा लिक्विड लेंगे हमको जरूरत नहीं है। अभी क्या है कि गर्मी का दिन है तो डॉक्टर बोलते हैं कि 12 से 20 लीटर तक पानी पियो, लिक्विड ज्यादा लो, सूप लो, जूस लो। 20 लीटर पानी पचाने के लिए अग्नि की क्रिया होती है, अगर अग्नि 20 लीटर पानी कैसे पचाएगा, इतना जैसे वॉशरूम है उतना पानी डालते, अग्नि अगर उसको नहीं पचा पाएगा तो क्लेद उत्पन्न हो जाएगा, और क्लेद इतना अग्नि मंदता करके कोई भी चीजें, ये सब चीज बताइए ना, हमेशा बैठा रहना और दिन में सोना, ये सब अग्नि को उपहत करता है। अग्नि उपहत हुआ और अग्नि मंदता हुई, आम उत्पन्न हुआ, स्रोतस जो उदक व स्रोतस है, रस व स्रोतस है, और ये सब ना क्या होता है, दूषित हो जाते हैं। तो इसके वजह से, और जितना भी रक्त व स्रोतस है, जितने भी लिक्विड धातु वाले जितने भी हैं वह सारे दूषित हो जाते हैं और ये प्रमेह रोग हो जाते हैं पूरा, तो इसीलिए ये सब अग्नि पे। उसी तरह से नया धान्य, जैसे गेहूं कट के आया, चावल कट के आया खेत से और तुरंत ही बनाना शुरू कर दिया, अब उसमें अभिसंधि गुण, उसमें अभी वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है और वह अगर हम लोग खाएंगे तो उससे ना बहुत ज्यादा अभिसंधि गुण तैयार होगा, क्लेद तैयार होगा। चावल जो रहता है ना नया चावल, उसमें पानी एब्जॉर्ब करने की शक्ति रहती है, जितना आप पानी डाल के उसको बनाएंगे ना वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वह शरीर में जाके पूरा पानी पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, वो निकलने नहीं देता है, फिल्टर नहीं होने देता, और उससे विकृति होती है और वह पानी पानी जमा हो जाता है, तो क्या करता है, स्रोतोरोध करता है, पूरा चैनल्स को ब्लॉक करता है। उसी तरह से नया जल, जो बारिश का तुरंत हुआ है जल है, वह एक पहला बारिश का ठीक है, लेकिन जो नया पानी आ रहा है पूरा, वह अगर कंटिन्यू ज्यादा मात्रा में लिया जाए, ज्यादा ज्यादा मात्रा में लिया जाए, तो वह नया जल भी अभिसंधि होता है, क्योंकि उसमें गुरुता बहुत ज्यादा रहती है। और गुड़, गुड़ जो रहता है ना वह भी अभिसंधि रहता है, नया गुड़
बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पुराना गुड़ खाएं जिसमें वाटर कंटेंट उड़ जाए गया हो वह अच्छा रहता है, लेकिन नया गुड़ जो रहता है अभिसंधि रहता है। गुड़ से बनाए हुए पदार्थ जो रहते हैं यह सब क्या करते हैं कि यह हेतु है प्रमेह के। अब इसमें मधुमेह तो लास्ट स्टेज है, कोई भी व्याधि मधुमेह तक भी जा सकती है, लेकिन कफज प्रमेह से शुरू होता है, पित्त प्रमेह के भी, अगर पित्तवर्धक आहार विहार का भी सेवन करें या वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करें तो 10 तरह के कफज प्रमेह हो जाएंगे, या फिर 6 तरह के पित्त प्रमेह हो जाएंगे, या 4 तरह के वात प्रमेह हो सकते हैं। जो दोष दुष्य संमूर्छना होगी उस हिसाब से हो जाता है, लेकिन मेन व्याधि कफ दोष का ही प्रकोप हो जाता है। तो ये, और ऐसे देखा जाए तो ये कभी कभी कुलज व्याधि के रूप में होता है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, और आयुर्वेद भी मानता है कि ये कुल से आता है, हेरिडेटरी आता है। अगर पिता को है, माता को है, उनके कुल में, पितृ कुल में, मातृ कुल में है, तो वह डायबिटीज का हिस्ट्री लेते हुए, और वैसे ही मित्य आहार विहार किया जा रहा है, फैमिली में वही फूड खाया जा रहा है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल का सेवन हो रहा है, तो यह प्रमेह जरूर हो ही जाता है। तो और इसमें ऐसे बोला है कि प्रमेह ही माता पिता का बीज दोष जो रहता है उससे प्रमेह की उत्पत्ति होती है, जिसमें कुलज इतिहास है प्रमेह का। उनका शरीर में कफ कर आहार विहार तो होता ही है, उनका खाना पीना ही ऐसा है, बच्चे में भी वैसे कफ कर आहार विहार होता है, तो वह जरूर उसमें पाया जाता है। इसी तरह से आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी, आस्य सुखम मतलब बैठे बैठे रहना दिन भर और सुखकारी जिंदगी बिताना, यह प्रमेह का हेतु है। स्वप्न सुखम दिन में सोना, इसमें देखिए सुख बताए अति सर्वत्र वर्जित, हर समय सुखी भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा दुख भी रहना चाहिए। हम लोग अगर बोलेंगे कि हमारे लाइफ में कोई दुख ना हो तो ऐसा भगवान ने नहीं बनाया, लेकिन अगर हम जानबूझ के कृत्रिम रूप से सुखी रहना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, तो शरीर को वो नुकसान देता है। इसी तरह से अति प्रमाण में नींद लेना, जरूरत नहीं है, टाइम नहीं, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, और दिन भर सोते रह रहे हैं, व्यायाम न करना, बैठा रहने का करना। एक बार क्या हुआ कि लॉकडाउन का पीरियड था, तो एक आंटी आई, वो बोली कि डॉक्टर साहब मेरे पति है ना वो टीचर हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन लग गया है तो वो ना इतना, मतलब मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा बेटा वो कुछ 26 साल का है और पति वो कुछ 46 साल के हैं, दिन भर सोते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, सो सो के, और वो लोग क्या करते हैं, मैं खाना बनाती हूँ, सब कुछ करते हूँ, क्योंकि अभी सरकारी टीचर हैं तो पैसा तो आ ही रहा है लॉकडाउन में, तो मैं उनके, मेरे को आदत नहीं है दिन भर सोने की, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, वो अपना दुख बता रही थी। तो वो बोली कि डॉक्टर साहब क्या हुआ कि फिर वो ना खाना खाते हैं और तैयार व्यार होके खाना खा के फिर सो जाएंगे, फिर उसके बाद में दोपहर का लंच करेंगे, फिर खाना वाना खा के फिर सो जाएंगे, फिर दिन भर सोते रहेंगे और रात को उठेंगे, फिर खाना वाना खा के वॉशरूम जाएंगे, सब कुछ तैयार व्यार होके फिर सो जाएंगे। ऐसे पूरा लॉकडाउन उन्होंने कम से कम 9-10 महीना केवल सो सो के किया। एक बार वो मुझे मिलाने लेके आई, लॉकडाउन में तो रेस्ट्रिक्ट था पूरा कि नहीं जाना, लेकिन डॉक्टर के पास आ सकते थे। वो जब आए ना तो उनका पूरा पैर सूजा हुआ था, इतना सूची स्वेलिंग इतना ज्यादा आ गया था, सो सो के, इतना ज्यादा अति प्रमाण में सोना। तो इसमें फिर मैंने उनको कहा कि आपको प्रमेह व्याधि होने का चांसेस है और इतना मत सोइए। बोले कि डॉक्टर काम ही नहीं है, लॉकडाउन में हम क्या करें, टीवी देखने का मन नहीं करता है, न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता है, नींद आ रही है बहुत ज्यादा, और एक आदत है, हैबिट है। अब वो इतना सो सो के उनका इतना स्वेलिंग हो गया, फिर उनकी वाइफ बहुत ऐसी की, तो फिर मैं उनको दवाई दिया, फिर यूरिनेशन हुआ पूरा, फिर उनको बचा लिया गया। लेकिन ये अति, जो बोले ना अति प्रमाण में नींद लेना, स्वप्न सुखम, जो सुखकर जिंदगी है वह भी कष्टदायक होती है। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा हो गया कि आप लोग हॉस्पिटल में देखते होंगे, जो लोग दिन भर सोते रहते हैं, लेटे रहते हैं, उनको बेड सोर हो जाते हैं, वो जिस एरिया में प्रेशर पड़ता है ना वहां पे बेड सोर हो जाता है। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है मनुष्य शरीर को कि आराम के टाइम पे आराम करना है, मेहनत के टाइम पे मेहनत करना है। अगर आपने इसको इम्बैलेंस कर दिया, अगर आपने मेहनत नहीं किया और आप केवल बैठे रहे और कुछ काम नहीं करेंगे, अति सुख का करेंगे, तो आपको दुख व्याधि ज्यादा होगा, और ज्यादा मेहनत करेंगे, वो भी नेचर ने ऐसा बनाया कि ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, आराम के टाइम पे आराम और सुख के मतलब मेहनत के टाइम पे मेहनत, ऐसा करना है। उसी तरह से जो नियम बनाए कि दही नहीं खाना है, दही का सेवन लोग ना क्या करते हैं कि अब गर्मी में तो खा ही रहे हैं क्योंकि दही बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, और फिर उसके बाद में हम बोलते हैं कि ये भारत देश है, दूध दही का देश है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन दही जो रहता है अभिसंधि रहता है, लोगों को ना दही के बिना चलता ही नहीं है, सुबह भी दही खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, रात को भी खाएंगे, फिर सुबह भी खाएंगे, हर चीज में दही 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 दही, और यह आयुर्वेद मना करता है, इससे स्त्रोतोरोध होता है और उन लोगों को जल्दी प्रमेह हो जाता है।
उसी तरह से नया धान्य, नया जल जब मना किया गया, और लोग को मालूम भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है कि नया चावल जो है वह देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो पॉलिश राइस वगैरह जो रहता है वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वह चीज़ अच्छा नहीं है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, आयुर्वेद का जो ज्ञान है वह देना चाहिए। नया धान्य को कभी नहीं खाना है, 1 साल पुराना चावल और गेहूं और दाल इन सब का सेवन किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी आप लोगों को मालूम है कि अभी जो ये वर्ल्ड ट्रेंड का जो ये सिस्टम है कि अगर इंडिया में अगर गेहूं कम हो गया, दाल कम हो गया, तो कैनेडा से आता है, सिंगापुर से आता है, जो जो देश उत्पादन करते हैं वहां से वो आता है, तो वो भी एकदम फ्रेश होता है, खेत से कटता है और आ जाता है। और भारत देश की इतनी पॉपुलेशन है कि किस तरह का चावल आ रहा है वो हमें पता नहीं है, वो आता है सप्लाई में आता है, हम लोग ले लेते हैं, एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। तो हमें ना कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अभिसंधि गुण नहीं होना चाहिए, और कुकर का जो खाना रहता है ना, प्रेशर कुकर का खाना, वो बहुत ज़्यादा अभिसंधि होता है। पहले के ज़माने में चावल बनाते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, पहले के ज़माने में जब कुकर का ज़माना नहीं था, प्रेशर कुकर क्यों बनाया गया कि प्रेशर से वो खाना बने और टाइम कम लगे, और गैस चूल्हा भी आ गया। पहले के ज़माने में गोबर के उपलों से और चूल्हा से गाँव में बनता था, और वो पतीले में बनता था या मटके में बनता था, जो मिट्टी का मटका है ना उसमें चावल बनता था, संयुक्त फैमिली होती थी, और उसमें जब वो चावल बॉयल होता था तो ऊपर को ऐसे गिरा के, और उसका ऊपर का जो पानी है माड़ का पानी वो निकाल दिया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था, और वह चावल खाया जाता था। तो लोग ना 2 टाइम 3 टाइम खा के तंदुरुस्त रहते थे, और वो जो चावल का पानी है अगर कोई पीना चाहे तो पी सकता है, और नहीं तो जो पशु लोग रहते थे जैसे गाय है भैंस है उन सबको दे दिया जाता था उनके खाने में मिक्स करके, क्योंकि उनको उनके लिए वो पौष्टिक चीज़ है, लेकिन वो ज़्यादातर बर्ज किया जाता था, तो वाटर कंटेंट है ना वो पूरा निकल जाता है, और जो चावल है वह अब प्रेशर कुकर का ज़माना आ गया तो उतना पानी रहता नहीं, पूरा पानी अब्जर्व होता है, प्रेशर से वो बन जाता है। तो यह प्रेशर कुकर का खाना भी अभिसंधि है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम उतना तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना टाइम केवल खाने पीने में, पहले के ज़माने में लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा था तो दिन भर खाने में ही चला जाता था, लेडीज लोग दिन भर खाना ही बनाती रहती थी और दूसरा काम ही नहीं होता था। लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है, आज केवल कुकिंग ही नहीं रह गया, आजकल बहुत सारे काम भी रह गए, समय बदला है, सब कुछ है, लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए कि 1 साल पुराना चावल, जितना हो सके 1 साल पुराना चावल लेना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारा किडनी अच्छा रहना चाहिए, तो नहीं तो आजकल आप देखेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतना हाई डिमांड है, यूरोलॉजिस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतना हाई डिमांड है कि मतलब क्या बताएं, MD में एडमिशन नहीं मिलता है नेफ्रोलॉजिस्ट, और क्योंकि ना इतना हाई डिमांड है तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज आगे जा रहे हैं, और वहाँ पे ना डिमांड भी है बहुत सारा कि मतलब हमें नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है, क्योंकि पैसा भी है, नाम भी है, और पेशेंट का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, हार्ट पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी पेशेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, और किडनी के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यही सब क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है बहुत ज़्यादा। किसी को बोलेंगे ना कि आप वर्कआउट करिए और ये दिन में मत सोइए, तो उनको गुस्सा आता है कि हमारे पास पैसा है, हमारी मर्जी, हम लाइफ ऐसे ही करेंगे। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, हम लोग पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन हमारे पास जो रोगी आ रहे हैं हम उनका लाइफस्टाइल तो चेंज कर सकते हैं, कम से कम हमारे पेशेंट जो हैं वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु को प्राप्त करें और उनको कोई बीमारी ना हो, और अगर बीमारी होगी तो हम उसकी चिकित्सा अच्छे से कर पाएं। इसलिए आयुष दर्पण के सारे चिकित्सक लोग जो हैं अच्छा सा मेहनत करके अपने पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, और ये बेसिक बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि यह दही खाना, सालों भर दही खाना, फिर ग्राम्य आहार खाना, अगर किसी ने ग्राम्य आहार खा लिया, ठीक है, बाहर का चीज़ खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया, तो जब तक वो पचता नहीं है तो लंघन करा देना चाहिए, शुंठी सिद्ध जल, षडंग पानिया, इन सब का प्रयोग करना, यूष और मंड का प्रयोग करा देना चाहिए ताकि वो पच जाए, पचने के बाद जब शुद्ध प्रवृत्ति हो तब खाएं तो वो कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन अगर वो पचा ही नहीं है और अजीर्ण अवस्था है और पूरा स्त्रोत्रोदय आम है और तब भी खा रहे खा रहे खा रहे, तो ये गलत होता है। अब संप्राप्ति हम लोग देखते हैं, एक और एक हेतु ऐसा बताया, सुषुप्त निदान स्थान में बताया, दिवा स्वप्न व्यायाम आलस्य प्रसक्तम, मतलब जो लोग दिन में सोते हैं अव्यायाम करते हैं, उसी तरह से आलस्य प्रसक्तम, जिनको आलसी रहना ज्यादा पसंद है, शीत स्निग्ध मधुर मद्य द्रवान्न पान सेविनम पुरुषम जान्यत प्रमेह ही भविष्यति इति, मतलब ऐसा हेतु सेवन किया जा रहा है, भविष्यति इति मतलब उनको होने वाला है, यह आप देख लीजिए, जो लोग शीत पदार्थों का सेवन करते हैं, आज पहले के जमाने में फ्रिज नहीं होता था लेकिन नॉर्मल ठंडे चीज को भी शीत बोला जाता था, आजकल तो फ्रिज का जमाना है
तो शीत का अन्नपान सेविनम, जो लोग फ्रिज के पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, फ्रिज में, फ्रिज को थोड़ा बाहर निकाल के रखिए, उसको रूम टेम्परेचर में होने देना चाहिए, तो आप चिल्ड पानी पियेंगे, आप धूप से आए और धूप से आने के बाद बहुत गर्मी लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, पसीना आ रहा है, और फ्रिज का चिल्ड पानी पी लिया, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लिया, चिल्ड बर्फ खा लिया, चिल्ड आइसक्रीम खा लिया, बहुत ज्यादा मात्रा में आइसक्रीम खा लिया उसी तरह, और एक दिन का बात नहीं है, रोज रोज हो रहा है ये हेतु से, मन रोज रोज बॉडी कितना टॉलरेट करेगी। फिर स्निग्ध पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, स्निग्ध पदार्थों में आज के जमाने के हिसाब से देखें तो पिज्जा हो गया, मैदा के पदार्थ जितने हो गए, क्योंकि वो मैदा होता है, फाइन व्हाइट फ्लोर रहता है, मतलब गेहूं का आटे को पूरी तरह से छान के, बहुत ज्यादा चिकनाहट वाला आटा रहता है, मैदा एकदम फाइन पाउडर रहता है, वह पेट में जाएगा तो चिपक जाता है पूरा, वो अच्छे से जल्दी पचता नहीं है, तो स्निग्ध पदार्थ या मावा का पदार्थ या तेल, डीप फ्राइड, आजकल तेल जो रहता है वो डबल रिफाइंड कर रहे हैं, लेकिन तेल भी इतना नहीं खाना चाहिए, अति मात्रा में नहीं खाना चाहिए, भैंस का घी नहीं खाना चाहिए, गाय का घी खाएं वह उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन भैंस का घी, डालडा जो रहता है वनस्पति घी, उसी तरह से तेल जो आ रहे हैं अलग अलग, तो यह अति स्निग्ध पदार्थों का अति सेवन करना और कंटिन्यू सेवन करना। फिर मीठा चीज आजकल लोगों को खाने का बहुत आदत है, कोई भी मिठाई है तो चॉकलेट खाओ, कुछ भी है तो बिस्किट खाओ, हर चीज में मीठा चाहिए लोगों को, अगर पेड़ा आ रहा है, मिठाई आ रहा है, काजू कतली आ रहा है तो सब खा जाओ, इतना अच्छा लगता है क्योंकि पैसा है, और काजू कतली खाओ, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, जलेबी खाओ अति प्रमाण में। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब त्योहार आते थे तभी ये मिठाइयाँ बनाया जाता था और तभी खाया जाता था, लेकिन आजकल क्या है कि हर रोज त्योहार है, हर रोज एंजॉय करो, हर खुशी में मिठाई खाओ, तो ये मतलब ये मधुर रस का सेवन, मेरे पास तो कुछ पेशेंट आए वो बोले कि डॉक्टर साहब हमको तो इतना टेम्पटेशन होता है, मैं रोज मिठाई की दुकान पे जाता हूँ और मैं रोज एक पाव कुछ ना कुछ मिठाई खाते ही हूँ, और बाद में वो मुझे मिलने हैं तो उनको डायबिटीज हो गया था, मैंने कहा एक पाव क्यों खाते हैं, उतना एक्सरसाइज करते हैं क्या, बोले नहीं नहीं उतना मैं नहीं करता, और फिर उनको प्रमेह हुआ, मधुमेह हो गया। उसी तरह से बोल रहे हैं कि मद्य का सेवन, कुछ लोग का ऐसा है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा मॉडर्न है, शराब पिए बिना हमारा जिंदगी नहीं चलता है, हमें मद्य रोज चाहिए, और वो भी कैसे है कि विस्की, रम और ये सब पीना ही पीना है, नहीं तो हमको नींद नहीं आती है, हमको एनर्जी फील नहीं होती है, और जबकि भारत के लिए मद्य जो है वह साथ में नहीं है, यहाँ के जो वातावरण, अब ठंडी का अगर है, आप लोग यूएसए में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वहाँ ठीक है, वहाँ का कल्चर भी है, और वहाँ वो लोग ना खाने के साथ भी, चॉकलेट के साथ भी, केक के साथ भी मद्य पीते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि मद्य जो रहता है वो उष्ण रहता है और वहाँ ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ती है, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए मद्य पीना पड़ता है, अग्नि को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज को पचाने के लिए भी मद्य चाहिए, ऊपर से ठंडी रहती है तो बॉडी को गर्म करने के लिए भी वहाँ मद्य चाहिए चाहिए, इंडिया गर्म देश है, उष्ण कटिबंधीय देश में है, तो यहाँ पर मद्य की जरूरत नहीं है, आप लोग कितना भी बोले लेकिन मद्य की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे जो सोल्जर्स थे, जब तक तो एक्सरसाइज करते थे, आर्मी एयरफोर्स नेवी में थे, उनको इतना एक्सरसाइज, पीटी परेड एक्सरसाइज होता था, मद्य पिया जाता था, क्योंकि उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, जैसे बॉर्डर पे कोई है और उनको दिन भर पेट्रोलिंग करना है तो उनको ना मद्य पिला दिया एक पैक तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको फिर वो दुख शरीर का, शारीरिक मानसिक जो कष्ट है वो दूर हो जाता है, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जब वो रिटायर होके आते हैं और वही आदत रहती है तो उनको मधुमेह जल्दी हो जाता है, क्योंकि उतना एक्सरसाइज हो नहीं पाता है और उनको मतलब सुख का जिंदगी, क्योंकि आदत है वो, तो ये जो है ना कि मद्य का सेवन भी कर रहे हैं और दिवास्वाप भी कर रहे हैं, विहारात्मक भी गलती हो रही है और आहारात्मक भी गलती हो रही है, मद्य का सेवन ज्यादा करने वाले को जरूर ही जरूर प्रमेह होता है, जरूर वो या तो मधुमेह होगा, मधुमेह तो लास्ट स्टेज है, बात है, उसके पहले वाले भी किडनी के प्रॉब्लम्स होने ही वाले हैं, मैं प्रमेह इज इक्वल टू किडनी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किडनी के प्रॉब्लम का मतलब है कि मूत्र में विकृति आती है, प्रभुता विल मूत्रता, यूरिन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आने लगता है, किडनी के फंक्शन खराब होने लगते हैं। उसी तरह से द्रवान्न पानम, बहुत ज्यादा लिक्विड, अभी क्या है कि जब से यह है ना पेप्सी कप, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, पेप्सी लॉन्च किया था यूएसए ने, पहले ना ये सब पेप्सी और थम्सअप, पहले के जमाने में कुछ कुछ ही ब्रांड चलता था, थम्सअप चलता था और मिरिंडा चलता था, बाद में पेप्सी को ऐसे कंपनी आई पेप्सी को इंडिया लिमिटेड, वो यूएसए ने लॉन्च किया और उसका बनाने का खर्चा 4 आना था, लेकिन वो 10 रुपये में बेचते थे बड़ा बॉटल, और इतना ज़्यादा चला, और क्रिकेट का वो जमाना आ गया, पहले आप लोगों ने देखा होगा जब 80s में क्रिकेट खेलते थे लोग,
तो वो व्हाइट जर्सी और व्हाइट ये पहन के व्हाइट ही खेलते थे। लेकिन बाद में क्रेज बढ़ने लगा 90s में, तो क्रिकेट का जमाना आने लगा, स्पॉन्सर भी मिलने लगे बहुत ज़्यादा, और नए नए चैनल भी आने लगे। DD1 में वर्ल्ड कप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया, और इंडिया तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब फैन हो गए बहुत ज़्यादा। उसी टाइम पे पेप्सी को लॉन्च किया गया, पेप्सी को लॉन्च किया गया ना, तो हो गया कि रवि शास्त्री फिर सचिन तेंदुलकर क्या पीते हैं, तो पेप्सी पीते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। ये पीता है पेप्सी, पीता है कोका कोला, पीता है ये क्रिकेट खेलता है, इतना अच्छा रन मारता है। उनके ब्रांड पे ये पेप्सी का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ क्रिकेटर्स के, और लोग ने शौक में आदत डाल दिए कि हमें पेप्सी पीना है। फिर जब 90s में तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद में जब 2000 साल आए तो और ज़्यादा ये बढ़ गया। फिर ना हर सिटी में पेप्सी को का टर्नओवर इतना हो गया, और जितना भी प्रॉफिट था सारा USA में जाने लगा। उन्होंने दिमाग लगाया कि इंडियंस की क्या वीकनेस है, इंडियंस जो है ना वो इमोशनली कोई भी चीज़ से अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को भगवान मानने लगे, क्रिकेट का भगवान कौन। तो मैं ये बात गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है अटैचमेंट है ठीक है, लेकिन उसके वजह से विकृति क्या आई। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके वजह से विकृति क्या आई कि लोगों ने पेप्सी कोला और बहुत सारे विकृत चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। फिर उसके बाद में आया कि डिओड्रेंट लगाओ लड़की पटाओ, ऐसे बहुत सारे लगा। विराट कोहली डिओड्रेंट लगाता है, और वो भी एड ब्रेक में ये सब आता था, जैसे क्रिकेट का जो ओवर चेंज होता था ना, और कलर भी चेंज किया गया। सहारा वाले ने थोड़ा क्रिकेट को स्पॉन्सर किया, फिर उसके बाद पेप्सी को ने किया, अलग अलग कप आने लगे। तो और फिर इंडिया भी जीत नहीं रही थी वर्ल्ड कप, लेकिन ये क्रेज बढ़ते जा रहा था, तो वही मार्केट में इन्होंने लाया। अब यहाँ जो बोले ना द्रवान पानम सेविनम, ये ज़्यादा पेप्सी को और कोल्ड ड्रिंक्स पीना, इसके वजह से मधुमेह के रोगी ज़्यादा बढ़े उस जमाने में। और इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे, क्योंकि ऐसा हेतु सेवन करा दिया गया, लोग पार्टीज में शरबत का प्रयोग नहीं करने लगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रयोग नहीं करे, जूसेस का प्रयोग नहीं करे, पेप्सी का प्रयोग, क्योंकि एक शान की बात है कि पेप्सी पियो, थम्सअप पियो, मिरिंडा पियो, अलग अलग पियो, ये एक फैशन हो गया। तो ये अति मात्रा में, और टेस्ट भी अच्छा है, उसमें शुगर नहीं है, शुगर फ्री है, वो पीने के बाद एक ढकार रहती है, कुछ अलग से लगता है कि हम अंग्रेज बन गए। सबको ऐसे क्रेज हुआ कि हम लोग ना अब कुछ तो मॉडर्न हो गए। तो इसके वजह से क्या होता है, ऐसे जब ये द्रवान्न पानम सेविनम पुरुषम जानियत प्रमेह ही भविष्यति इति, ये सब का सेवन करने वाले को प्रमेह हो जाता है। उस जमाने में जो हेतु सेवन किया गया उसका प्रभाव ये पड़ा कि सभी लोगों को मधुमेह होने लगा। आप लोग आज भी देखिए तो इंडिया में जो है यह डायबिटिक कैपिटल माना जाता है, डायबिटीज इतना ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, पहले इसकी तुलना में नहीं था, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा लाइफस्टाइल ही नहीं था। पहले के ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस ज़माने में महंगाई बहुत था, करप्शन बहुत था, तो उसके वजह से, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो लोग के इनकम कम था, इनकम कम था और महंगाई ज़्यादा थी, तो लोग ना क्या करते थे, पैसा बचाते थे और कम में गुजारा कर देते थे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर जिसको बस से जाना है और बस का टिकट 5 रुपये है, 4 रुपये है, तो वो लोग थोड़ा पैदल चल लिए कि 1 रुपया हमारा बच जाएगा, एक एक रुपये को लोग बचाते थे। बाद में जब IT आ गया 2005 के बाद, तो इतना ज़्यादा पैसा आने लगा, इन्वेस्टमेंट इतना होने लगा। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने अच्छा काम भी किया, मैं ये नहीं बोल रहा, कांग्रेस ने अच्छा भी काम किया, देश को थोड़ा अलग दिशा दिखाई। तो जब पैसा आने लगा, IT में लोगों को 2-2 लाख रुपया मिलने लगा, तब क्या हुआ कि लोग के पास पैसा आने लगा, तो लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। लोग को अभी जाना है तो ऑटो रिक्शा से ही जाना है, पैदल नहीं चलना है, जाना है तो गाड़ी से ही जाना है। अब पैदल चलना फिर ये हो गया, साइकिल से चलना स्टैंडर्ड का ये बात हो गया कि हमें ज़्यादा नहीं चलना है। मैं ये सब बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तो ये सारे हेतु हैं, और जो प्रमेह के हेतु हैं, जितना हम लोग चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल वर्क करेंगे, अपना काम खुद करेंगे। अभी आप देखिए इंडिया में मेड रखने का प्रथा है, यहाँ पे नौकरानी चाहिए रूम साफ करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए, भले मशीन भी आ गया लेकिन बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो मेड रखने का, नौकरानी रखने का, नौकर रखने का प्रथा है। जबकि आप USA में जाएंगे, जापान में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहाँ पे मेड का प्रथा नहीं है। अगर आप मेड को रखेंगे तो उसका ही सैलरी इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो अफोर्ड नहीं होता है, वहाँ लोग खुद ही काम करते हैं। तो जब पैसा आया ना, तो पैसा आने की वजह से अपर क्लास ज़्यादा हुआ, मिडिल क्लास भी बढ़ा और पुअर क्लास भी बढ़ा जब पैसा आ गया। तो ये सब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से प्रमेह रोग जरूर हो जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ये सब हेतु का सेवन किया तो संप्राप्ति कैसे बनती है बॉडी में। संप्राप्ति ऐसे बोलती है कि माधव निदान प्रमेह रोगाधिकार में दूसरा तीसरा नंबर का श्लोक है, प्रमेह निदान में।
मेदश्च मासं च शरीरं च क्लेदं कफोपस्थि गतः प्रदुष्य करोति मेहान समुदीर्णम उष्णस्तानैव पित्तं प्रदुष्य चापि क्षीणेषु दोषेषु अकृष्य धातु संदुष्य मेहान कुरुते अनिलश्च। इसका मतलब यह है कि इसमें सबसे पहले कफ दोष का प्रकोप हो जाता है, कफ दोष की विकृति आती है, कफ दोष ज्यादा स्निग्ध गुण से, द्रव गुण से बहुत ज्यादा शरीर में बन जाता है, और इसके वजह से क्या होता है कि इसमें कफ दोष प्रकुपित होता है, अति प्रमाण में उसका प्रोडक्शन होने लगता है। और वह क्या करता है कि मेद धातु सबसे पहले अटैक जो होता है वो मेद धातु, क्योंकि कफ और मेद इसका स्टारदम में एक जैसा है, और वो भी मेद जैसा है, तो बद्ध और अबद्ध मेद जो मेद के मॉलिक्यूल्स हैं जो जुड़ सकते हैं और जो नहीं जुड़ सकते हैं, जो जुड़ सकते हैं उनको बोला है बद्ध मेद, और जो नहीं जुड़ सकते हैं कच्चे कच्चे रहते हैं अबद्ध मेद, तो इनकी दुष्टि होती है। मांस धातु की दुष्टि, फिर शरीरम च क्लेदो शरीर का क्लेद कफो बस्तिगता प्रदुष्य, या कफ दोष भी विकृत होता है, क्लेद भी विकृत होता है, क्लेद इतना ज्यादा मात्रा में बन गया है, या बस्तिगतम प्रदुष्य ये पूरा अपना यूरिनरी सिस्टम जो है। अब यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हमारा आयुर्वेद ये बोलता है कि पक्वाशय में जहाँ सारकिट विभाजन होना शुरू होता है वहां पे वह क्लेद की उत्पत्ति होती है, और वह उससे मूत्र बनता है, मूत्रस्य क्लेद वाहनम ऐसा बोला है। तो ये पूरा बस्ती को, पूरा सिस्टम को अगर हम लोग बस्ती करें कंसिडर करें, तो पक्वाशय से लेके किडनी और फिर यूरेटर और किडनी के नेफ्रॉन्स ये सब दूषित हो जा रहे हैं, यूरेटर अपना काम नहीं कर पा रहे, अग्नि मान देता है, धातु अग्नि लेवल पे भी सारकिट विभाजन नहीं हो पा रहे, और बहुत ज्यादा क्लेद 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 हो जा रहा है, सार भाग कम बन रहा है, किट भाग और वो भी क्लेद के रूप में, पानी के रूप में वो ज्यादा हो रहा है, और ये बस्तीगतम प्रदुष्य बस्ती के प्रदेश में दूषिती दुष्टि कर रहे। फिर करोति मेहान समुदीर्ण मुष्ण स्थाने व पित्तम प्रदुष्य चापी, इस तरह से प्रमेह हो जाता है। इसी तरह से अगर पित्त प्रकोपक आहार भी अगर सेवन किया जा रहा है, जैसे कि अजीर्ण में भी बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला का सेवन किया जा रहा है, बहुत ज्यादा क्षार का सेवन किया जा रहा है, बहुत ज्यादा चटपटा पानी पूरी और खट्टे चीजें ज्यादा खाया जा रहा है, आप लोग गोलगप्पे पानी पूरी खाए होंगे, तो उसमें एक बार खा लिया तो ठीक है, कुछ लोग को आदत होती है कि हम रोज रोज पानी पूरी खाएं, चाट मसाला खाएं, बाहर का जो ये होता है दही वड़ा खाएं, जो पित्त प्रकोपक आहार भी करे, क्षार का सेवन करे, अचार का सेवन करे, टोमेटो सॉस का सेवन करें, टोमेटो सॉस का तो इतना प्रचलन बढ़ा दिया है ना यूएसए की कंपनी ने, और ये यूरोप की कंपनी मैगी है, इन्होंने तो पूरा एकदम जो नेस्ले है उन्होंने भी पूरा खाना पीना सब बिगाड़ दिया पूरा। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने लाया तो कुछ अच्छा काम भी किया, लेकिन कुछ बुरा काम ज्यादा हुआ कि लोग ना टोमेटो सॉस रोज रोज खाने लगे, और वो भी सड़ा हुआ टमाटर का, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के और उसको टेस्टी बना के बेचा जाता है, वो फ्रेश नहीं होता है। रोज अगर आप फ्रेश टमाटर का चटनी खाए तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो सॉस खाए जाते हैं ना टोमेटो सॉस चिली सॉस ये अति प्रमाण में लोग ना सब्जी की तरह टोमेटो सॉस रोज रोज खा रहे हैं, यह पित्त का प्रकोप करता है, हाइपर एसिडिटी करता है, पित्त प्रकोपित मतलब उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण ये सब जो होते हैं ना सर गुण, फिर इन सबसे द्रव गुण, इन सबसे पित्त प्रकोपित हो जाता है, और वह भी प्रमेह का जो यहाँ पे हेतु आ रहा है कफकर उसके साथ मिल जाता है, जैसे कि गंगा नदी आ रही है और उसके साथ यमुना नदी का पानी मिल गया, इसी तरह से कफकर आहार विहार का सेवन हो रहा है और यमुना नदी का काला पानी इसमें मिल गया, तो यही पित्त प्रमेह पित्त प्रमेह को ये कर देता है। क्षीणेषु दोषेषु अकृष्य धातुन संदुष्य मेहन कुरुते अनिलश्च, इसी तरह से वात प्रकोप आहार विहार भी सेवन किया जा रहा है, कफ तो दूषित है ही ये किया जा रहा है, लेकिन रात्रि जागरण किया जा रहा है, अति मैथुन किया जा रहा है, वेगों का धारण किया जा रहा है, रुक्ष पदार्थों का सेवन ज्यादा किया जा रहा है, और घी वगैरह का सेवन कम किया जा रहा है, घी का मतलब गाय का घी जो संस्कारित जो घी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका सेवन कम किया जा रहा है, और भागदौड़ ज्यादा किया जा रहा है। हर चीज में एक नियम बताया कि भागदौड़ भी करना है तो कितना करना है, अति व्यायाम भी करना है तो कितना व्यायाम का भी एक ये बता दिया है, अब ना हीन योग करें ना अति योग करें ना मिथ्या योग करें, तो व्यायाम बहुत ज्यादा अगर लोग कर रहे हैं तो उसके वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है। फिर काम शोक भयाद वायु, काम में शोक में भय में ये कंटिन्यू रह तो वायु का प्रकोप हो जाता है, तो ये भी मानसिक कारण भी है शारीरिक कारण भी है, ये सब क्या करता है कि वायु का प्रकोप कर देता है। तो यह गंगा नदी आ रही है, यमुना नदी आ रही है, और भी छोटी छोटी सहायक नदी आ रही है, तो जो सहायक नदियां हैं वो वात प्रकोपक आहार विहार है, तो वह वात प्रकोपक आहार विहार वातज प्रमेह को कर देते हैं, उसमें कफ वाले सिम्टम होगा, प्रभुता विल मूत्रता,
यूरिन ज्यादा हो रहा है लेकिन वायु का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, उसमें कलर आ रहा है, तो इसमें हस्ती में, मज्जा में और मधु में इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि कफ सपित्त पवनश्च दोषा मेदो अस्त्र शुक्राम्बु वसा लसिका मज्जा रसौजा पिशदम च दुष्या प्रमेयणा विंशति रेव मेहा। इसका मतलब है कि कफ पित्त वायु ये तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं, मेद धातु, रक्त धातु, शुक्र धातु, अम्बुवस्त्रोतस, वसा, लसिका, मज्जा, रस, ओज, ये सब दूषित हो जाते हैं और यह 20 टाइप के प्रमेह रोग कर सकते हैं। अब वो संप्राप्ति दोष दूष संमूर्छना किस तरफ जा रही है? अब जैसे कि बाढ़ का पानी आ गया है, बाढ़ का पानी आया है तो वह हो सकता है कि बिहार के दूसरे साइड पूर्व दिशा में जाए या बिहार के दक्षिण दिशा में जाए या पश्चिम दिशा में जाए। बाढ़ का पानी तो बाढ़ का पानी है, जहां जहां दोष दूष संमूर्छना होगी, जो जो धातुओं का इन्वॉल्वमेंट होगा उस डायरेक्शन में जाएगी। अब कफ वाले में जा रही है तो 10 टाइप का प्रमेय हो जा रहा है, तो उसमें इक्षुवालिका में है, फिर बहुत सारे बताए हैं उसमें, हम लोग आगे देखेंगे, सिक्ता में है, फिर बहुत सारे हैं आगे मैं बताऊंगा। तो ये कफज प्रमेय कर देगा। उसके बाद में पित्तज प्रमेय है, जिस तरह से बाढ़ का पानी जहां जहां पसरेगा वैसे वैसे वो कर देता है, अलाल में, लाल में, ऐसे जो बताया, और पित्त वाला जो बताया वो हरिद्र में, नील में, हर मंजिष्ट में, ये सब कर देता है। वातज वाले में हस्ती में, मज्जा में, मधु में, ये वसा में, ये सब कर देते हैं। तो वात वाले 4 टाइप के रहते हैं, पित्त वाले जो 6 टाइप के रहते हैं, कफ वाले जो रहते हैं 10 टाइप के रहते हैं। तो ये 20 टाइप के प्रमेय किसी भी रूप में किसी न किसी तरह से कर दिया जाता है। इसी तरह से तस्मिन काले पचित्यग्नि अदग्नम कोष्ठ महागतम बलिभूति प्राय कल्पते किंचित दोष से। इसमें बोल रहे हैं कि अग्नि उपहत हो रहा है। चरक चिकित्सा स्थान 8वें में बहुत अच्छा बताया कि किसी भी तरह से अगर क्लेद बहुत ज्यादा बन रहा है, कफ दोष प्रकोपित हो रहा है, तो ये अग्नि को उपहत करता है। अगर आप चूल्हे में आग जल रहा है और उसमें पानी डाल देंगे तो क्या होगा, अग्नि उपहत हो जाएगा। इसी तरह से अग्नि उपहत हो जा रहा है और यह अग्नि जो है ये मंद होने से आम दोष की उत्पत्ति हो रही है, और किट भाग जो है सार किट विभाजन में मल भाग वो ज्यादा बनने लगता है, और इसके वजह से ओज धातु का भी क्षय होता है। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा, इसमें बहुत ज्यादा द्रव युक्त जो श्लेष्मा होता है यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस तरह से यह प्रमेह रोग हो जाता है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे कि धात्वग्नि मानदेय जब होता है, जठराग्नि लेवल पे काम होता है, दोष दूष संमूर्छना होती है, बहुत ज्यादा क्लेद बनने लगता है और अच्छा रस धातु नहीं बनता, रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र नहीं बनता, और यह कफ दोष बढ़ने की वजह से मेद धातु बद्ध बद्ध मेद इसकी दुष्टि हो जाती है। और हम आगे पढ़ेंगे कि धात्वग्नि लेवल पे भी यह संप्राप्ति होती है, भूताग्नि लेवल पे भी होती है, और आगे क्या क्या संप्राप्ति होने से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर मांस धातु की तरफ जा रहे तो प्रमेह पीड़िकाएं हो जाती हैं, अगर वह मूत्र व संस्थान की तरफ जा रही है तो 20 तरह के प्रमेह हो जाते हैं। तो इसको जानना, डायबिटिक वुंड जो अलग अलग टाइप के बताए प्रमेह पीड़िकाएं वह हो जाती है, नहीं तो मूत्र व संस्थान में जाके किडनीज पे अफेक्ट करके और वहां पे अलग अलग तरह के प्रमेह कर देती है। उसी को मॉडर्न से भी हम लोग कोरिलेट करेंगे, यह सब हम कल करेंगे। और इसमें मेन जो रहता है क्लेदक कफ की दुष्टि रहती है, द्रव गुण की वृद्धि हो जाती है, क्लेदक कफ के द्रव गुण की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि क्लेदक कफ जो रहता है वो कहाँ रहता है, आमाशय में रहता है। क्लेदक कफ की दुष्टि हो जाती है, द्रव गुण की वृद्धि होती है, द्रव गुण ज्यादा बढ़ जाता है तो अग्नि को मंद करता है, आग है उसमें पानी डल जाए तो वो पूरा अग्नि मंद करने लगेगा, धातु अग्नि मंद होने लगता है, धातुओं का पोषण कम होने लगता है। उसके वजह से जितने भी द्रव धातु हैं, लिक्विड फॉर्म में जितने भी धातु हैं शरीर के, जैसे कि मेद धातु, रक्त धातु, शुक्र धातु, लसिका धातु, लसिका जो है वो उप धातु बोला है, रक्त और रस के बीच की धातु, और वसा, मज्जा, रस धातु, ओज और कफ और मांस, ये भूष्ट जितने भी भाप पदार्थ है सभी की दुष्टि हो जाती है, शरीर में क्लीनता बढ़ जाती है, क्लेद की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह से बाढ़ आता है उस तरह से क्लेन आप लोग अगर देखेंगे कि अगर बाढ़ आ जाता है तो क्या होता है कि सब चीज जलमग्न हो जाता है, घर के अंदर भी पानी, सब जगह पानी 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 पानी, उस तरह से। तो उसी तरह से और फिर क्या होता है कि क्लेद विसर्जन जो होता है वो मूत्र द्वारा इसी तरह से कैसे भी किडनी फिल्टर करती है, कि वो पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती, जैसे भी पानी आ रहा है वैसे निकाल लेती है, और इसके वजह से प्रमेह व्याधि हो जाती है। और पित्त का है कि पाचक पित्त की दुष्टि ज्यादा बढ़ जाती है, पाचक अग्नि विकृत हो जाती है, धातु का परिपोषण कार्य नहीं हो पाता है, क्लेद की उत्पत्ति होती है और पित्त के सिम्टम सारे दिखने लगते हैं। उसी तरह से वात की दृष्टि है तो समान वायु और अपान वायु की दृष्टि होती है, उसमें खासकर समान वायु मतलब जो अग्नि के पास रहता है, अपान वायु जो अपने मल का निष्क्रमण करता है,
मूत्र का, पुरुष का निर्गमन, वह दुष्टि होने लगते हैं। और इसमें और धातु अग्नि बंद होता है, अपाचित धातु और ज्यादा उत्पन्न होते हैं, बद्ध और अबद्ध में बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, धातुओं में शिथिलता आती है, धातु में दुर्बलता आती है और बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगता है और फिर प्रमेह व्याधि हो जाती है। आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे कि प्रमेह में और क्या क्या चीज होने लगता है। आप लोग मैं जो बता रहा हूँ वो शायद आप लोग सहमत होंगे, और आप लोग के जो भी अपने अपने अनुभव है वो भी आप लोग इनबॉक्स में लिख सकते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक और भारत देश के जो भी हमारा ऋषि कुल परंपरा से जो आ रहे हैं, ऋषि मुनि का जो ज्ञान है वो आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत तारीफ करता हूँ कि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। देखिए आप लोगों ने कितना अच्छा बोला है, सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कि DR5 DR6 जीन्स इन्वॉल्व इन जेनेटिक डायबिटीज, बहुत अच्छा बताया, इसी को कुलज प्रमेह बोला है, कुल से आने वाला, और आपने जीन्स के उससे बताया, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इन्होंने बोला है चरण स्पर्श सर जी, एक लेडी 36 ईयर ओल्ड पेशेंट है, फौजी की वाइफ है, पहले ब्रेन में विद्रोही ठीक हुआ लेकिन इस टाइम डी मालिनेटिंग और CNS वैस्कुलाइटिस है, स्कैल्प सिस्ट है MRI रिपोर्ट में सर, हिस्ट्री में स्ट्रेसफुल लाइफ, कभी माइंड कम ना प्लीज गाइड। अब आप ये डी मालिनेटिंग डिजीज है तो आप ये पहले सबसे पहले ये सोचिए कि मज्जा धातु CNS वैस्कुलाइटिस है तो मज्जा धातु पे इस पर आघात हुआ है, विद्रोही ब्रेन में हुआ है, एप्सेस फॉर्मेशन हुआ और उसकी चिकित्सा नहीं हुई, एंटीबायोटिक्स दिया गया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, तो इसमें आपको आपने ये केवल सिम्टम्स बताए आपको ना, आप शशिकांत त्रिपाठी जी मैं आपको ना एक केस शीट दूंगा, आप मेरा अभी मैं नंबर दूंगा उसमें आप ना मुझे एक मैसेज करिए, मैं आपको केस शीट दूंगा उसके हिसाब से केस टिकिंग करिए कि उनका खान पान कैसा है, सुबह कितना बजे उठती हैं, कितना बजे सोती हैं, पूर्व में क्या व्याधि हुआ था, ये बीमारी कैसे हुआ, मधुर रस का सेवन करती हैं क्या, देगा विरोध करती है, वो पूरा सिस्टमेटिकली केस टिकिंग का परफॉर्मा है वो आप भर दीजिए, तब हम ना हेतु और संप्राप्ति और लक्षण के हिसाब से चिकित्सा बताएंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो मैं त्रिपाठी जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरा नंबर अभी मैं दूंगा थोड़ी देर के बाद, तो उसमें आप मुझे मैसेज करिए कि मैं केस शीट नंबर चाहिए, मैं केस शीट का PDF दूंगा वो भर के फिर मुझे भेजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप लोग देखिए कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग हैं कि क्या बताएं, डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शोभना दाबी जी नमस्ते प्रणाम आपको, सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अनिल सिंह जी बोल रहे हैं प्रणाम सर, बहुत ही सुंदर भावार्थ किया, थैंक यू। डॉक्टर रविंदर यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर उमा रानी महान काली प्रणाम आपको, आपका नाम ही इतना पवित्र है कि उमा रानी महान काली प्रणाम, आप हैदराबाद कितनी अच्छी डॉक्टर हैं, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रुति निगम जी बोल रही हैं कि सर बहुत दिन की बनी हुई मिठाई भी खाते हैं, हाँ लोग ये बहुत गंदी आदत रहती है, मिठाई लेके आएंगे खाएंगे नहीं और फ्रिज में रख देंगे और कम से कम एक एक साल पुराना न पेड़े खाते रहते हैं, लोगों को आदत है गंदी गंदी मिठाई, और दुकान में भी मिठाइयाँ जो रहती है वो फ्रेश तो नहीं रहती है, वो तो उधर रखते हैं, वो कुछ मैकेनिज्म रहता है, पुरानी मिठाइयाँ तो नहीं खानी चाहिए, और मावा भी यूज़ किया जाता है वो फ्रेश नहीं होता है, मावा का भी बहुत होता है, ये सब प्रमेह का हेतु है। डॉक्टर अरविंद जी ये बोल रहे हैं गुरु जी के पावन चरणों में नमस्कार, थैंक यू प्रणाम आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप बहुत आगे तरक्की करिए, भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक श्रेष्ठ काम करते हैं। हंसराज साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर ममता शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अंकिता शर्मा जी बहुत बढ़िया चीज़ पूछ रहे हैं, प्रणाम सर टुडे वाज़ ए पेशेंट ऑफ एज 14 ईयर्स, ही इज़ ऑन इंसुलिन ट्रीटमेंट सिंस 4 ईयर्स, ही वॉज डायग्नोज एज टाइप 1 डायबिटीज 4 ईयर्स बैक व्हेन ही हैड वर्टिगो व्हाइल गोइंग टू मार्केट, उसकी प्रकृति वातज पित्तज हेतु सेडेंटरी लाइफस्टाइल विषम है, अग्नि विषम है, एट प्रेजेंट ब्लड शुगर फास्टिंग नियर टू 300 mg/dL रहता है आफ्टर यूजिंग इंसुलिन ऑल्सो ड्यू टू हिज आई सेट गेटिंग इन्फेक्टेड, हाउ कैन आई हैव टू कंसिडर ट्रीटमेंट इन दिस केस। अब देखिए आई सेट में हो रहा है डायबिटीज जो है ना, जब बीमारी हो जाता है तो ये क्या होता है कि कच्चा आम जिसको हम मराठी में कैरी बोलते हैं, कच्चा आम, फिर आम पकता है फिर सड़ता है, तो डायबिटीज रहता है बॉडी में, इंसुलिन ले रहे हैं शुगर को कंट्रोल किया जा रहा है लेकिन वो डायबिटीज जो है ना धातु शिथिलता करता है, वो संप्राप्ति भंग नहीं की जा रही है, क्लेद बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके वजह से सड़न होती है और उसकी वजह से डायबिटिक मैकुलोपैथी होती है, आई सेट जो रहता है ना वो वीक होने लगता है क्योंकि मैकुला जो है ना वहाँ पे डिजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, तो आपको अगर ठीक करना चाहती हैं
दिल से ठीक करना चाहती हैं, तो आप ना अभी मैं एक केस शीट दूंगा आपको, केस शीट भरिए, उनका पूरा हेतु वगैरह सब निकालिए और उनकी चिकित्सा आयुर्वेद के हिसाब से करिए। और आईसाइट को ठीक करना है अगर करना चाहती हैं तो मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊंगा मैकुलर डिजनरेटिव चेंजेस को ठीक करने के लिए वो करिए। आप उनकी आंखें भी बचा सकती हैं और इंसुलिन भी बंद होके आयुर्वेद की दवाई से पूरी तरह से मैनेज करके कर सकती हैं। आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ कि मधुमेह जो रहता है वो क्या रहता है कि पहले आवरण जन्य रहता है तब वो ठीक हो सकता है शुरुआत के टाइम पे। अगर वो धातु क्षयात्मक होने लगता है वो ठीक नहीं हो सकता है, हम उसको मैनेज करके बैलेंस करके रख सकते हैं। अगर ये आप 4 साल का बता रही हैं तो यह धातु क्षयात्मक हो रहा है, आई सेट भी इफेक्ट हो रहा है तो ये धातु क्षयात्मक हो रहा है, तो इसीलिए आप ना केश शीट भरिए और फिर उसका हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से हेतु लिंग औषध डिसाइड करेंगे और फिर हम लोग चिकित्सा करेंगे। तब बहुत मजा आएगा, आपको भी सीखने को मिलेगा, जो परंपरा से हमने सीखा है जो स्टाइल से वो हम लोग करेंगे। मैं आपको पूरा दवाई बताऊंगा, ठीक है? मैं अपना केस शीट दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं मुख्य विकृति ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल रहा इसलिए लीवर उसे स्टोर नहीं कर पा रहा, ब्लड में ग्लूकोज घूम रहे हैं, या तो इंसुलिन न बनने कारण हो रहा है IDDM, या इंसुलिन ही नहीं बन रहा है पर ग्लूकोज रिसेप्टर उसे रीड नहीं कर पा रहे, NIDDM। बहुत बढ़िया बताया आपने मॉडर्न के हिसाब से बताया, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये ग्लूकोज ये सब नहीं होता, क्लेद 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 ज़्यादा बन रहा है। और शरीर में आप जो ग्लूकोज का ये जो इंसुलिन का थेरी बता रहे हैं ये 100% सही है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। अभी कैसा है कि एक हाथी था तो 5 अंधे थे, तो एक अंधा बोलता है कि हाथी जो है ना उस अंधे थे तो एक ने पूंछ पकड़ा और वो बोलता है कि हाथी पूंछ की तरह दिखता है, एक ने सूंड पकड़ा वो बोलता है हाथी इस तरह से दिख रहा है, एक ने पैर पकड़ा आगे का वो बोलता है हाथी इस तरह से, एक ऊपर चढ़ गया तो बोलता है हाथी इस तरह का है। इसी तरह से अलग अलग मत है देखने का, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सब सच बोल रहे थे। आप इंसुलिन का थ्योरी बोल रहे हैं 100% सही है, लेकिन हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के हिसाब से करेंगे और आयुर्वेद के हिसाब से ठीक करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम आयुर्वेद की बात करेंगे। यहाँ पे पैरामीटर्स तो वही रहेंगे, मॉडर्न के हिसाब से हमें चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो आज का पेशेंट है वो थोड़ा बोलेगा कि आपका क्लेद बढ़ गया है, मेद बढ़ गया है, दिखाओ मेद बताओ क्लेद बताओ, वह हमें मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन से ही दिखाना है उनको, उसी पैरामीटर से दिखाना है। लेकिन संप्राप्ति अपने हिसाब से भंग करेंगे तो ज़्यादा पेशेंट ठीक हो सकता है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो सकती है। ठीक है, आप भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं सरोज मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉक्टर अजय पटीदार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आयुर्वेद के हिसाब से सोचिए और मॉडर्न के इन्वेस्टिगेशन में हमें उनको रिपोर्ट्स भी देना है, ठीक करके देना है। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं हस्ति में, वज्जा में, वसा में, मधुमेह, वातज। फिर पित्तज बोल रहे हैं क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में, हरिद्रा में, पित्तज, सांद्र में, आगे बता रहे हैं। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति महेश्वरी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अभी इन्होंने बताया सरोज मिश्रा जी सांद्र में, उदक में, इक्षु में, इक्षु सांद्र प्रसाद में, सुरा में, पिष्ट में, शुक्र में, सिक्ता में, शीत में, शने में, लाला में, ये कफ टाइप सब बता दिया इन्होंने, इतना अच्छे डॉक्टर है ना सरोज मिश्रा जी, क्या बताएं। विन्यासा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता सकट मैम बहुत अच्छा बता रही हैं, ये बोल रही हैं कि जुवेनाइल डायबिटीज भी कुलाजी होगा, बहुत बढ़िया बताया आपने। शुभा मिश्रा जी बोल रहे हैं सर एक पेशेंट को बेबी नहीं रहा, माँ का मिल्क रोकने को क्या करें, आप ना मुझे मैसेज करिए फिर मैं आपको केस शीट दूंगा, वो केस शीट में आप ना ये देखिए कि हेतु क्या हो रहा है, माता क्या उल्टा पुल्टा खा रही है, तो फिर हमें और अच्छे से पता चलेगा, फिर हम अच्छे से डायग्नोस करके बता सकेंगे। रमन गर्ग जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, डायबिटीज में पित्तज प्रमेह के लक्षण हो तो क्या मेडिसिन, तो उसमें पित्तज प्रमेह की चिकित्सा करनी चाहिए ना, डायबिटीज भी है और मधुमेह भी है और पित्तज संप्राप्ति है, तो उस पर आगे हम आने वाले हैं ना, पित्तज प्रमेह की चिकित्सा हम उस पर डिस्कस, उसमें विरेचन कराना चाहिए और तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देना चाहिए, मधुर द्रव्य नहीं दे सकते पित्तशमन के लिए, तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देना है। और आगे क्या है मैं आपको बताऊंगा, घृत कल्पना जैसे धन्वंतर घृत वगैरह देना है, मैं आगे बताऊंगा आपको, आज का टाइम अभी हो रहा है इसलिए मैं सब नहीं बता पाऊंगा। डॉक्टर सत्यवान नायक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं कि सर आजकल अधिकतर शुक्र में पाया जाता है, उसके लिए क्या करें, शुक्र में की भी चिकित्सा मैं बताऊंगा, शुक्र निकल जा रहा है, लोगों का शुक्र जो है बहुत ही पतला है, यूरिन के साथ या पॉटी करने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वहां पे शुक्र निकल जाते हैं और ये बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, स्पेक्टेरिया जो बोलते हैं ना, स्पर्मेटोरिया मतलब स्पर्म्स निकल जा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा नपुंसकता आ रही है, क्लैब्यता आ रही है, उस पर मैं चिकित्सा बताऊंगा क्या क्या करना है सब बताऊंगा। डॉक्टर सुशील सर नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जयपाल पूर्णिया जी
पुनिया जी नमस्ते, प्रणाम आपको। जयपाल पुनिया जी, उमारान जी बोले पीवीडी पोस्ट वेटरस डिटैचमेंट फ्लोटर्स व्हाट शुड डू। अब इसमें डिटैचमेंट हो रहा है, फ्लोटर्स आ रहे हैं, तो इसमें हमें चक्षुष से दवाइयाँ ही देनी पड़ेगी। लेकिन आप हेतु बताइए, हेतु तब मैं आपको अच्छे से ट्रीटमेंट बता पाऊँगा। हेतु जब तक आप नहीं बताएंगे ना, मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं बता सकता हूँ। कुछ ना कुछ, जैसे मोबाइल का सेवन ज़्यादा हो रहा है, रात्रि जागरण हो रहा है, शुक्र का क्षय हो रहा है, अग्नि बांध देता है, देगो का धारण हो रहा है, तब इसका इफेक्ट आंखों पे आता है, मज्जा धातु पे आता है। और तो अगर हम बेसिक ठीक करना चाहते हैं तो घृतपान कराना पड़ेगा और चक्षुष दवाइयां देनी। आप पूरा केस अच्छे से बताइए। सत्यवान नायक जी बोले सर जी, बृहत्तरेव लघुत्तरेव में किस ग्रंथ का गर्भाधान प्रक्रिया श्रेष्ठ है? सभी का श्रेष्ठ है, लेकिन समझाने वाला कोई अच्छा होना चाहिए। उसमें जैसे चरक मुनि का है वो बहुत हाई लेवल का है, वाग्भट का है वो नॉर्मल है, लेकिन आपको समझ तो आए कि वो गर्भाधान कैसा है। समझ आ गया तो आपको चरक के हिसाब से भी कर सकते हैं, सुश्रुत के हिसाब से। समझाना है, मैं गर्भाधान पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर जगजीत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोले एलोपैथिक इंसुलिन का दर्पणाक्ष आयुर्वेद में क्या हो सकता है? सब है, मैं सब बताऊंगा, चिकित्सा में बताऊंगा। वर्षा पटेल जी नमस्ते, दर्पनाशक इंसुलिन का दर्पनाशक कुछ नहीं होता, दर्प मतलब अहंकार, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में नेचुरल डॉक्टर का दर्प हो सकता है, मतलब डॉक्टर को अहंकार होता है, इंसुलिन का हम लोग सब्स्टिट्यूट ऐसे बोले, सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? तो इंसुलिन जैसे कि गुड़मार है, मधुमेह नाशनी जो है, मधुनाशनी जो वनस्पति है, गुड़मार बोलते हैं एडजस्ट, उसमें नेचुरल इंसुलिन पाया जाता है, लेकिन वो ऐसे नहीं दे रहे, नहीं तो तीख तरह से बात का प्रकोप हो जाएगा। मैं उसके बारे में बताऊंगा, वह देने से शुगर लेवल कम हो जाता है, लेकिन शुगर लेवल ही कम नहीं करना है, हमें पूरा संप्राप्ति भंग करना है, सब मैं बताऊंगा। डॉक्टर आशा जी बोले हैं कुलश प्रमेह जिसमें धातु क्षयात्मक संप्राप्ति हो, इसमें मैनेजमेंट चिकित्सा, सब मैं बताऊंगा, आप रुक जाइए, आगे के सीरीज में मैं सब बताऊंगा, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्टकट कुछ नहीं, सब डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। आप लोग भी अपना अनुभव बताइए और हम लोग सब मिलके आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप लोग ना जिन जिन लोगों को केस टेकिंग लेने के लिए मैंने कहा है, वो सब केस शीट मुझे मांगिए अभी मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोगों को केस टेकिंग का शीट देता हूँ, आप लोग केस टेकिंग करके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। आप लोग आयुर्वेद के बेसिक से अगर करेंगे, आपका पेशेंट 100% ठीक होने वाला है और आपको धन्यवाद भी देगा, आपको आर्थिक लाभ भी होगा, कीर्ति भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, फ्रेंडशिप भी हो जाएगा। आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के पैरामीटर से, आयुर्वेद के स्टेप से आप चिकित्सा करिए। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8:15 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे और कल प्रमेह पे आगे मैं बताऊंगा, फिर आप लोग फिर बताइएगा अपने अपने अनुभव। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम।